हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री लक्ष्मी जी की व्रत कथा, जिसे गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार व्रत की कहानी भी कहते हैं, इस कथा के श्रवण करने से दुख दारिद्र्य नष्ट होकर माता लक्ष्मी की कृपा धन दौलत की हमें प्राप्ति होती है तथा हमारे मन की आकांक्षाएं पूर्ण होती है, संतति दीर्घायु होती है। माता लक्ष्मी विविध रूपिणी है, उनके अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, राजगृह में रहने वाली राज लक्ष्मी, घर घर में विराजमान ग्रह लक्ष्मी, स्वर्ग की महालक्ष्मी, भूलोक में स्थित लक्ष्मी, ब्रह्मालोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन की राशेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, शीराप्ती की सिंधु कन्या, मालती वन की मालती, पद्म वन की पद्मावती, केतकी वन की सुशीला, कुंदन वन की कुंदवती, कदम्ब वन की कदम्ब वाला, जैसे अनेक रूपों और नामों से श्री लक्ष्मी जी प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही श्री महालक्ष्मी देवी की यह कहानी है। द्वापर युग में भद्रश्रवा नाम का राजा सौराष्ट्र देश में राज्य करता था। वह पराक्रमी था तथा उसे चारों वेद, छह शास्त्र और 18 पुराणों का पूर्ण ज्ञान था। सूरज चंद्रिका नामक उसकी पटरानी अत्यंत सुंदर, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। 7 पुत्र तथा 1 पुत्री शामबाला से सुसज्जित उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखी था। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में राजा के राजगृह में जाकर निवास करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि राजा के राजगृह में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख दे सकेगा, जबकि किसी निर्धन के घर में वास करने से वह दी हुई धन संपत्ति को खो बैठेगा। ऐसा विचार कर श्री लक्ष्मी ने एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर सूरत चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे के पास धीरे धीरे जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका ने सामने आकर उस वृद्धा दिखाई देने वाली स्त्री से पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश है, हम लोग द्वारिका के रहने वाले हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य अति दरिद्र था। प्रत्येक दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। उसका पति प्रतिदिन उससे मारपीट करता रहता था। इन हालातों से परेशान होकर उसकी पत्नी एक दिन उसका घर छोड़कर एक वन में जाकर बिना कुछ खाए पिए इधर उधर भटकने लगी। उसकी यह दशा देखकर मुझे दया आ गई और धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथन अनुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई, जिससे उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संतति तथा संपत्ति से उसका घर भर गया। उनका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा। दीर्घायु तक समस्त सुखों का उपभोग कर अंततः वे मृत्यु को प्राप्त हुए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक प्राप्त हुआ। वैभवपूर्ण वे जीवन बिताने लगे। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया, उतने ही 1000 वर्ष उन दोनों को सौख्य प्राप्त हुआ। अब उन्होंने राजकुल में जन्म लिया। वही स्मरण दिलाने के प्रति मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उससे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी जी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महत्तम बतला दिया। रानी की सेविका उस वृद्ध स्त्री का आभार मानकर राजमहल वापस चली गई तथा उसका संदेश महारानी को जाकर सुना दिया। राजवैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। वह उन्मत्त हो गई थी। वृद्धा का संदेश सुनकर वह यकायक गुस्से में आ गई और एक वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उदंडता के साथ अपमानित किया। परंतु वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी देवी थी, यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का उद्यम वर्तन देखकर श्री लक्ष्मी जी ने वहाँ रहने का विचार छोड़कर अपने स्वयं के ही निवास जाकर रहने का निश्चय किया। वहाँ से निकलते ही थोड़ी दूर पर उसे रानी की पुत्री शामबाला मिली। राजमहल की घटना की पूरी जानकारी मिलने पर शामबाला ने उस वृद्धा ब्राह्मण स्त्री से क्षमा याचना की। श्री लक्ष्मी जी को उस पर दया आई तथा प्रार्थना करने पर उन्होंने शामबाला को लक्ष्मी व्रत की पूर्ण जानकारी दी। उस दिन मार्गशीर्ष मास का गुरुवार था, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं इसे, मार्गशीर्ष मास का गुरुवार था। शामबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति स्वरूप उसका विवाह सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र मालाधर के साथ संपन्न हुआ। वहां उसे विपुल वैभव प्राप्त हुआ तथा वह अपने पति के साथ सुख पूर्वक राज वैभव में रहने लगी। इधर रानी सूरत चंद्रिका द्वारा लक्ष्मी जी के अपमान के कारण हुए उनके कोप से राजा भद्रश्रवा के राज का अस्त हुआ।
तथा उनके वैभव और ऐश्वर्य का लोप हो गया। उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका ने अपने पति से कहा, अपनी बेटी का पति राजा है तथा बड़ा वैभवशाली है, उनके पास जाकर अपनी दशा का उल्लेख करने से उनको दया आएगी तथा वह कुछ न कुछ धन संपत्ति अवश्य देंगे। भद्रश्रवा श्याम बाला के पति के राज्य में गया। वहाँ थककर वह एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में श्याम बाला की कुछ दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहाँ आई। उन्होंने राजा भद्रश्रवा को देखा। उन दासियों ने उनके परिचय के बारे में पूछा तथा नाम ग्राम के विषय में पूछताछ की। राजा ने उन्हें पूर्ण जानकारी देकर अपना परिचय दिया। दासियों को यह ज्ञात होते ही कि वे उनकी रानी श्याम बाला के ही पिता हैं, वे दौड़कर राजमहल पहुंची और श्याम बाला को सारी स्थिति से अवगत कराया। श्याम बाला ने अपने पिता को आदर पूर्वक बड़े ठाट बाट के साथ अपने राजभवन में लाकर उनका आदर सत्कार किया। मिष्ठान आदि भोजन से संतुष्ट होकर उनकी आवभगत की तथा यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ समय पश्चात विदा होते समय श्याम बाला ने उन्हें यथेष्ट धन भेंट स्वरूप प्रदान किया। राजा भद्रश्रवा अपने घर पहुंचा, देखकर सूरज चंद्रिका को अपार आनंद हुआ। उसने भेंट स्वरूप किए हुए धन कलश को खोलकर देखा तो उसमें धन के स्थान पर कोयला भरा हुआ पाया। श्री लक्ष्मी जी के कोप के कारण यह चमत्कार हो गया था। इसे देखकर उनके दुख की सीमा न रही। इसी तरह दुख भोगते भोगते कुछ दिन पश्चात सूरज चंद्रिका अपनी लड़की श्याम बाला के पास गई। उस दिन मार्ग शीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने लक्ष्मी व्रत धारण किया हुआ था। उसने अपनी माता जी से भी यह व्रत करवाया। सूरज चंद्रिका भी अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसीलिए उसे गतकाल का वैभव फिर से प्राप्त हो गया। राज ऐश्वर्य सुख संपत्ति फिर प्राप्त हुई। कुछ दिन पश्चात श्याम बाला अपने माता पिता से मिलने मायके आई। सूरज चंद्रिका के मन में अपने स्वयं के पिता को श्याम बाला द्वारा कोयले दिए जाने तथा स्वयं की माता को कुछ भी नहीं दिए जाने पर अपार क्रोध था। इसी दुर्भावनावश श्याम बाला को किसी ने भी न तो आवभगत की, न ही किसी ने उनसे कुछ पूछताछ की और उनका जरा भी आदर सत्कार नहीं किया गया। परंतु श्याम बाला अपनी माता पर क्रोधित नहीं हुई। चलते समय उसने वहां से कुछ नमक अपने साथ बांध लिया। निवास स्थान पर श्याम बाला से पतिदेव ने पूछा, मायके से क्या क्या सौगात लाई हो? तब उसने उत्तर दिया, राज्य का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पतिदेव ने पूछा, इसका मतलब? उसने उत्तर दिया, कुछ देर ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसने भोजन की सभी चीजें बिना नमक के तैयार करने की आज्ञा दी। पतिदेव को भोजन परोसा, परंतु नमक के बगैर तैयार किए हुए भोजन के खाद्य पदार्थ उसे स्वादहीन लगे। पति को यह प्रसन्न देखकर उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में मिलाने पर भोजन रुचि में और स्वादिष्ट लगने लगे। श्याम बाला ने पति को समझाया कि यही राज्य का सार है, जिससे उनका समाधान हो गया है। इस प्रकार से जो कोई श्री लक्ष्मी व्रत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी व्रत की प्राप्ति होगी, कुछ सुख शांति की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति होगी, धन वैभव सुख समृद्धि सब कुछ उनके पास आ जाएगा, सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु संपन्नता तथा वैभव प्राप्त होने के पश्चात लक्ष्मी व्रत करना कभी न भूले। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण करें, कथा सुने। ऐसी यह श्री लक्ष्मी व्रत की कथा, जिसे गुरुवार व्रत की कहानी भी कहते हैं, ये सभी को सफलता प्राप्त करवाने वाली है, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली है और श्री माता लक्ष्मी की कृपा सभी को प्राप्त करवाने वाली है। शुभम भवतु। ओम शांति शांति शांति। तो ये थी गुरुवार के मार्ग शीर्ष महीने के गुरुवार व्रत की माता महालक्ष्मी की कथा। अगर आपको कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।